है, इसमें टच की सप्लाई भी है। क्या है? CTP या फिर TP लिख के है तो वो हमारा क्या हो गया? टच का समय, टच का मैं बताता हूँ। साथ ही साथ इसमें लाइट का भी सेक्शन रहता है। एक डिस्प्ले की रेंज क्या है हमारी? दूसरी, तीसरी, चौथी, तीन सी और चौथी किस चीज के लिए? ठीक है, VIO, ये क्या है? और ये डाटा, ये सब CTP मतलब किसके लिए? चारों सप्लाई टच किसके लिए? इसके लिए। तो ये देख सकते ना ऐसा यहाँ पे आ गया। ये किसके लिए? डिस्प्ले टियरिंग के लिए। ठीक है, LCM रिसेट के लिए। और ये हमारा VIO, ये कहाँ से आता है? पावर लिखती है ना इधर लेफ्ट साइड में आए तो लेफ्ट साइड में देखो पूरा कौन सा लाइन बोलेंगे इसको? क्या है पहचान सकते ना सारा? जी सर। तो ये बहुत आसान है ना पहचानना अपने को। जी सर। कितने पिन का कनेक्टर है? 40। कितना है? 40। ये वाला कितना है? ये वाला 30 सर। थोड़ा पिना कम हो गया ना इसमें, थोड़े एनसी पिन थोड़े ग्राउंड पिन इसमें कम कर देते, तो किसी में कुछ अलग रहता है किसी में कुछ अलग रहता। तो ये जो नाम है नाम चेंज होते रहते हैं, आपको नाम याद रखना है वही इम्पोर्टेंट है। और कौन से पिन पे क्या सप्लाई आ रहा है ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इजिली आप क्या कर सकते हैं? मोबाइल बना सकते हैं ना। ठीक है, इसके अलावा एक सुपर अमोलेडी का देखेंगे अभी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं फोन फिक हैदराबाद की पूरी टीम यहाँ पे है और हमारा तुम क्यों रुक गए? ताली होनी चाहिए भैया की। नहीं देख रहे हैं हम ये कौन सा ग्राफिक सेक्शन? तो ग्राफिक के लिए जो जो सप्लाई है इम्पोर्टेंट है और कहाँ से आती है? कुछ चाहिए अपने को सिग्नल लाइंस, कुछ चाहिए वोल्टेज। वोल्टेज कुछ पावर से आता है और कुछ ग्राफिक आईसी से। कहाँ से? ग्राफिक आईसी से। कुछ पावर आईसी से और कुछ ग्राफिक आईसी से। कौन से वोल्टेज आते हैं उसका नाम क्या है और पावर से आ रहे हैं तो उसका नाम क्या है? yes. और CPU से जो सिग्नल लाइन्स आ रहे हैं, जो डाटा लाइन्स आ रहे हैं उसका नाम क्या है, उस पे कितना वोल्टेज आता है ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो कनेक्टर बना लिए 40 पिन का कनेक्टर और ये जो बना है Redmi Note 8 Pro का कनेक्टर। ठीक है, तो इसमें जो CPU से लाइने आती है सारी सारी यहाँ पे हमने बना दी है। तो सबसे पहले हम कोई ग्राफिक का फॉल्ट आया तो हम पहले आई स्कैनिंग करेंगे, कनेक्टर लूज है, डैमेज है, वाटर डैमेज है, पिन तो नहीं टूट गया, ये सारी चीज चेक कर लेंगे। कभी कभार डिस्प्ले के अंदर भी प्रॉब्लम आता है तो डिस्प्ले के अंदर का कनेक्टर भी देखना है, ये कनेक्टर और डिस्प्ले का कनेक्टर। उसके बाद सबसे पहले रिपेयरिंग के लिए हम करते हैं कूल टेस्टिंग। क्या करेंगे? कूल टेस्टिंग में जो सप्लाई लाइन है वहां पे अपने को GR आना चाहिए, तो जो GR आना चाहिए उतना ही आना चाहिए, ना कम आना चाहिए ना ज्यादा, ना तो उसमें बीप आनी चाहिए। बीप आ गया मतलब लाइन शॉर्ट हो गई और वैल्यू जितनी आना है उससे बढ़ गई या घट गई तो उसको लीकेज बोलेंगे। क्या बोलते हैं? मतलब रजिस्टर की वैल्यू लीकेज हो गई या तो फिर IC से ही वैल्यू क्या हो गया, वो गलत वैल्यू आ रहा है तो सही से रिवॉल्व करके डालना है या कंपोनेंट है तो रिप्लेस करना है। और IC अगर रिवॉल्व करने से नहीं काम बन रहा तो चेंज भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना है। तो सबसे पहले जो हम लाइन देखते हैं MIPI लाइन, थोड़ा बोलना क्या देखेंगे? दूसरा नाम क्या है? TSI। MIPI मतलब मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस, ये फुल फॉर्म है उसका। इतना याद नहीं भी रखे तो डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस तो याद रखना है। ठीक है, कितने लाइन है टोटल? ये 10 लाइन है जिसमें 5 डुअल कॉइल लग के है जिसको हम EMI फिल्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ये फिल्टर कॉइल्स है, यहाँ से सप्लाई, यहाँ से डाटा निकलेगा और इसमें से होकर के कॉइल में से होकर के किधर सिग्नल को फिल्टर करने के लिए बीच में लगा दिए। इसमें से डाटा 0, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, टोटल डाटा के कितने लाइन है? 4। तो 4 में एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, हर एक में एक है पॉजिटिव नेगेटिव और उसमें से दो लाइन है क्लॉक के लाइन। कितने? क्लॉक में क्या है आपको इस तरह का पल्स चलता है आगे की ओर, तो इसमें एक है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। डाटा कैसा चलेगा आपका? इस तरह से स्क्वायर वेव, इसको स्क्वायर वेव बोलते हैं। ठीक है, लॉजिक लो लॉजिक हाई के हिसाब से डाटा इसमें आता है जाता है। ये कब देख सकते हो आप? ग्राफिक सेक्शन DSO वगैरह से आप इसका डाटा चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे MIPI के 10 लाइन। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक वोल्टेज है उसको बोलते हैं VIO। क्या बोलेंगे? VIO।
वोल्टेज इनपुट आउटपुट या फिर आईओ वोल्टेज भी बोला जाता है इसको, या वोल्टेज इनपुट आउटपुट, ये कितना वोल्टेज रहेगा, 1.8। ये बनता है पावर एसी से, कहां से, पावर एसी में एलडीओ रहते हैं 23 एलडीओ, 25 एलडीओ, अलग अलग पावर एसी में अलग अलग एलडीओ। तो उसमें से पावर एसी क्या करती है, पावर एसी को पहले वीपीएन वोल्टेज दिया जाता है, क्या देते हैं, वीपीएन वोल्टेज। देने के बाद में वी आर ई जी टू सेक्शन से इन्हें क्या निकालती है अपने को, वीआईओ। ये पावर एसी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो समझ में आएगा कि ये कैसा बना रही है। तो वी आर ई जी टू सेक्शन से अपने वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज इनपुट आउटपुट। ये बहुत सारे सेक्शन में जाता है आपको, जहाँ जहाँ बहुत सारे आईसीओ के पास जहाँ पे वीपीएन लाइन जाती है, साथ ही साथ वो कौन सा वोल्टेज आएगा, वीआईओ का भी वोल्टेज आएगा, क्योंकि ये आईओ वोल्टेज है। यहाँ पे डिस्प्ले जब आपका कनेक्ट हो जाता है, इसी से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारा डिस्प्ले कनेक्ट हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अगर मिसिंग है तो आपका डिस्प्ले लाइट दोनों चले जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इसके अलावा दो वोल्टेजेस और चाहिए जिसको हम बीएसपी और बीएसएन बोलते हैं, वोल्टेज सिस्टम पॉजिटिव, वोल्टेज सिस्टम नेगेटिव, एक प्लस फाइव और एक माइनस फाइव। इसमें क्या है, थोड़ा वोल्टेज में कम ज्यादा होता है, चार से इसमें पांच वोल्ट प्लस में मिलेगा, और जिसमें ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है वो हमारा पॉजिटिव वोल्टेज हो गया, और आप चेक भी करेंगे तो माइनस में बताएगा मल्टीमीटर में, ठीक है। तो ये कौन सा वोल्टेज है, नेगेटिव। अब इसके नाम जो है, बहुत सारे नाम आते हैं अलग अलग, जिसको हम बीएसपी बोलते हैं, या डिस्प्ले पॉजिटिव, या ईएलवीडीडी, या फिर एवीडीडी, ठीक है। तो ईएलवीडीडी, ईएलवीएसएन, ऐसा आपको सैमसंग के मॉडल में मिल जाता है, जहाँ पे सुपर ओम एलईडी लाइट रहता, उसके अंदर वोल्टेज तो ऐसे ही रहेंगे लेकिन नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों वोल्टेज जो बनाते हैं हमारे, वो बनाती है ग्राफिक आईसी। कौन बनाएगी, अगर पीएमआई रही तो पीएमआई बनाएगी, पीएमएल रही तो पीएमएल बनाएगी, अगर 15 वोल्ट का ग्राफिक आईसी रहा तो फिर कौन बनाएगा, वो 15 वोल्ट का ग्राफिक आईसी। ये वोल्टेज जो प्लस 5 माइनस 5 पावर आईसी से कभी भी नहीं बनते, ठीक है। कहां से बनेंगे, ग्राफिक आईसी से। ये दो वोल्टेजेस हो गए। अब इसके अलावा इतनी सारी हमारी सिग्नल लाइन्स, तो सारे के सारे सीपीयू से कनेक्टेड, कहां से, सीपीयू। पहला जो लाइन है हमारा एलसीडी एनटीसी, एलसीडी नेगेटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट, यानी एलसीडी अगर आपका हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, उसका भी इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए, सीपीयू को चाहिए। फिर सीपीयू डिस्प्ले पे अपने को मैसेज शो करेगा सॉफ्टवेयर के थ्रू कि आपका एलसीडी क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। ये लेटेस्ट मॉडल में मिलेगा आपको, पुराना में नहीं मिलेगा, एनटीसी लाइन। इसमें कितना वोल्टेज चेक कर लेना आपने, 1.8। इसके बाद में एलसीएम रीसेट लाइन, कौन सा है दूसरा, एलसीएम रीसेट, सीधा कहां से कनेक्टेड, सीपीयू से। अब बहुत बार आपके फोन में रेड डिस्प्ले, ब्लू डिस्प्ले, ब्लैक डिस्प्ले आ जाता है, इस लाइन में से अगर सिग्नल मिसिंग हो जाए तो बहुत बार आप देखे या तो सीपीयू रिवॉल्व करते, या तो सीपीयू को स्क्रैच करके नोट फोर वगैरह में एक जम्पर निकाल लेते, रीसेट लाइन मिसिंग हो गई होगी। सुने एमआई के काफी सारे फोनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है ब्लू डिस्प्ले, व्हाइट डिस्प्ले का, तो उसमें आपको सीधा डायरेक्टली सीपीयू रिवॉल्व करना है, क्या करना है, सीपीयू। और बहुत बार क्या होता है, इस लाइन में बीच में आपको रेजिस्टेंस रहते हैं, कभी वोल्टेज मिसिंग हो जाता है, पुल अप रेजिस्टर का यूज करते हैं, पावर एसी से वोल्टेज देते 1.8 और बीच में एक रेजिस्टर लगा देते, तो रेजिस्टर पे वोल्टेज नहीं आ रहा, रेजिस्टर को निकाल दिए, या रेजिस्टर का वैल्यू कम ज्यादा हो गया, या फिर आपका सीपीयू अगर से ड्राई शॉर्ट हो गया, तो फिर पहली बार मोबाइल खुलेगा एमआई अच्छा दिखेगा, जैसे मोबाइल खुला, खुलते ही पूरा ब्लू डिस्प्ले, उसके बाद अपन यूज भी नहीं कर सकते उसको, सीधा उस कंडीशन में क्या कर देते अपन, सीपीयू रिवॉल्व कर देना, फाइनल सोल्यूशन। बहुत सारे सेटों में ऐसा दिखेगा आपको, डायरेक्ट क्या करना है, क्योंकि देखो सब ट्रैक ओके रहते, जीआर ओके रहता, वोल्टेज ओके रहता, लेकिन सीपीयू से जब डाटा नहीं आता इन सारों में से, या इनमें से कोई भी डाटा मिसिंग हो गया, तो फिर ग्राफिक चला गया आपका, नहीं आता, सीधा सीधा क्या कर देना, तो कभी आपका ट्रैक कट हो जाता, कभी लाइन आपकी शॉर्ट हो जाती, कभी सिग्नल क्या हो जाता उसमें से मिसिंग हो जाता। सिग्नल अगर नहीं आ रहा तो हमको सीपीयू रिवॉल्व करना है, ट्रैक ब्रेक हो गई तो हम ट्रैक बना देते, कंपोनेंट सीरीज वाला कंपोनेंट चेक करके ट्रैक बना देते, अगर लाइन अगर से शॉर्ट हो गई आपकी तो पैरल वाला कंपोनेंट हम रिमूव कर देते, लेकिन अगर सिग्नल ही नहीं आ रहा तो फिर किस पे काम करना है, समझ गए। तो मैक्सिमम फोनों में अगर आप देखोगे तो सीपीयू ड्राइव शॉर्ट हो जाने के कारण वहां से सिग्नल क्या हो जाता आपका, चले जाता डिस्प्ले, उसमें नहीं आता, तो फिर सीधा क्या करेंगे, सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे, 100% काम करता है, बहुत बार आप देखो बना के। अब इसके बाद इसमें है डिस्प्ले टियरिंग इफेक्ट, क्या है, इमेज भी बताया आपको कैसा फॉल्ट आता है, इसमें एरर आईएनटी,
और एक डिस्प्ले डिटेक्शन पिन के दो पिन है, कितने? दो। तो ये तीनों लाइन भी बहुत जरूरी है, डिस्प्ले डिटेक्शन है ये, क्या है? डिटेक्ट करना मतलब डिस्प्ले लगा तो डिटेक्ट करना, और ये कब आएगा इसको वोल्टेज, जब आप सेट को चालू कर देंगे, समझ में आ रहा है? तो सेकेंडरी जो वोल्टेजेस रहते हैं आप सेट को चालू करने के बाद, और बंद कंडीशन में बीपीएच वोल्टेज आता, पता है ना आपको? तो ये हम जो मॉडल देखे अभी रेडमी नोट 8 प्रो का, अभी यहाँ से लाइव आपके सामने, आप लोग ही पसंद करें ना ये, वही तो ओपन नहीं करा आपने मर्जी से, तो समझ में आया आपको ये? इसके अलावा अपन यहाँ पे देखे इसमें टच की सप्लाई भी है, क्या है? सीटीपी या फिर टीपी लिख के है, तो वो हमारा क्या हो गया? टच का सप्लाई, टच का मैं बताता हूँ। साथ ही साथ इसमें लाइट का भी सेक्शन रहता है, एक डिस्प्ले के अंदर टच, लाइट और ग्राफिक, टोटल कितने सेक्शन है? टच का तो बहुत बार अलग से भी मिल जाता आपको, लेकिन ज्यादातर क्या रहता है? इसमें तो एक बार इधर बताओ भाई इनको, सब लोग इस मतलब टच का सप्लाई पहचान सकते हैं? और लाइट का सप्लाई अलग से ढूंढ सकते हैं ना, कौन सा लाइट का है, कौन सा टच का है, कौन सा ग्राफिक का है, देख सकते हैं आराम से निकाल लेते हैं। इतने सारे पिन है तो किसी से पूछने की जरूरत तो नहीं है, ग्राफिक का कौन सा है, लाइट का कौन सा है। तो अलग अलग मॉडल में देखे अपन, किस में देखे? रियलमी 4 में भी देखे, यहाँ पे इसमें भी देखे, इसमें भी क्या है? फर्स्ट लाइन क्या है हमारी? दूसरी, तीसरी, चौथी, तीन सी और चौथी किस चीज के लिए? ठीक है, VIO ये क्या है? और ये डाटा, ये सब सीटीपी मतलब किसके लिए? चारों सप्लाई टच, किसके लिए? इसके लिए। तो ये देख सकते ना ऐसा, यहाँ पे आ गया, ये किसके लिए? डिस्प्ले टियरिंग, ठीक है, LCM रीसेट, और ये हमारा VIO, ये कहाँ से आता है? पावर लिखती है ना इधर, लेफ्ट साइड में आए तो लेफ्ट साइड में देखो पूरा कौन सा लाइन बोलेंगे इसको? MIPI, क्या है? पहचान सकते ना सारा? जी सर। तो ये बहुत आसान है ना पहचानना अपने को? जी सर। कितने पिन का कनेक्टर है? 40। कितना है? 40। ये वाला कितना है? ये वाला 30 थोड़ा पिना कम हो गया ना इसमें, थोड़े एनसी पिन, थोड़े ग्राउंड पिन इसमें कम कर देते, तो किसी में कुछ अलग रहता है, किसी में कुछ अलग रहता। तो ये जो नाम है, नाम चेंज होते रहते हैं, आपको नाम याद रखना है, वही इम्पोर्टेंट है, और कौन से पिन पे क्या सप्लाई आ रहा है ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इजिली आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल बना सकते हैं ना, ठीक है। इसके अलावा एक सुपर AMOLED का देखेंगे अभी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।